हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप रिजल्ट के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉप अप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे मॉप अप का रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मॉप अप में किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, किसको कब बुलाया गया है, राइट। साथ में हम लोग देखेंगे कि मॉप अप में जब आप जाओगे तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप सारा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाओगे तो आपका जो है वहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किसका यहाँ पे जो है सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपको किस डेट में बुलाया गया है, राइट। तो वो मैं आपको सर्च इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पर मिलता रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली सर्चें दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है अभी कुछ देर पहले ही आया हुआ है, ठीक है, आज ही आया हुआ 3 तारीख को, ठीक है। मॉप ऑफ रिलेटेड यहाँ पे जो है काउंसलिंग रिलेटेड ये जो है नोटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा यदि नीचे हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारे का रोल नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसमें जिसका भी यहाँ पे रोल नंबर मैच कर रहा है, ठीक है, उसको बुलाया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है रैंक वाइज यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है, माने कि जिसको यहाँ पे 5 तारीख को बुलाया गया, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सारे का रोल नंबर बेटर होगा कंपेयर टू जो है यहाँ पे ये वाले, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 5 तारीख को बुलाया गया, जैसे माने कि 5 तारीख वाले हैं, फिर जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 तारीख वाले को, ठीक है। तो 6 तारीख को जो बुलाया गया है वो 5 तारीख वाले से जो है उसका रैंक ज़्यादा होगा, इसलिए जो है उसको 6 तारीख को बुलाया गया है। बाकी जो है कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपको चेक कैसे करना, जैसे मैं एक रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक रोल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो इससे आपको जो है चेक करने आ जाएगा कि आपका जो है नाम आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 60, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15, ठीक है, 15, 3, 6 और 7, मानिए कि मैंने ये रोल नंबर माने किसी का है, ठीक है। तो उसने अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च किया पीडीएफ में जा करके, तो यहाँ पे उसको दिख गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, आपको क्लियरली दिख जाएगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे रेड यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे रेड इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब है इसको बुलाया गया है। बाकी किस डेट में बुलाया गया वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 7 तारीख को इसको बुलाया गया, 5 से स्टार्ट होगा, बाकी कब तक चलेगा वो यहाँ पे दिया गया, एक मिनट। और जिसका यहाँ पे मानी इसी तरह आपको सर्च करना है अपना रोल नंबर को, यदि रोल नंबर इसी तरह मैच करता जैसा यहाँ पे मैच किया है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है येलो और रेड कलर का, ठीक है, तो इस तरह का आपको जो है यहाँ पर यदि मैच कर रहा है तो सोचिए आपको बुलाया गया है किसी ना किसी डेट को। वहाँ पर डेट मैंसन होता है, जिसमें यहाँ पर डेट मैंसन है, यहाँ पर ऊपर पर आपको डेट दिख रहा होगा 7 जो है नवंबर, ठीक है, तो इसी तरह मेंशन होगा ऊपर पे रोल नंबर के, ठीक है। तो इसी तरह यदि मैच कर रहा है तो सोचिए आपको बुलाया गया है, अदरवाइज नहीं बुलाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, बाकी देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो है नंबर ऑफ वीडियोस हैं, तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा लास्ट डेट देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 24 तारीख तक काउंसलिंग होगा, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब 20 डेज ऑलमोस्ट, 19 डेज, ठीक है। तो 20 डेज यहाँ पे आपका जो है काउंसलिंग होगा, टोटल 20 दिन, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों को बुलाया गया होगा, आप चेक कीजिए आपका जो है मैच कर रहा है रोल नंबर इसमें या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट, राइट। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई भी यदि मिस हो जाता है तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी 5 तारीख से स्टार्ट है
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे तो आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और यहाँ पे जन्म तिथि, ठीक है। तो जन्म तिथि उसी में मेंशन होता है, तो अलग से जन्म तिथि का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, यदि है तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का प्रवेश पत्र, मतलब आपको जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है डिप्लोमा का, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आपने दिया है। साथ में 6 गो फोटो आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जाति ले लेना है, जाति प्रमाण पत्र, आवासी, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेके जाना है। बाकी और आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जीरोक्स, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था जिस टाइम, अप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए पार्ट बी, यदि आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी रैंक कार्ड ले लेना है, वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी होना चाहिए वेरिफिकेशन स्लिप का, बायोमेट्रिक का 1 होना चाहिए कॉपी, ठीक है, बायोमेट्रिक का 1 कॉपी होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट का कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया है उसको वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना जरूरी है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे आपका मॉपअप नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना है, जो भी वेरीफाई हुआ है आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो इतना ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में था। बाकी यदि कुछ भी मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाइए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।